तालिबान अब भारत में क्या करना चाह रहा है? भारत में अपने राजदूत भेजना चाह रहा है तालिबान, क्या मानेगी सरकार? और ऐसा करके कौन सी बड़ी चाल चल रहा है तालिबान, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ नाटो ने आखिर मान लिया कि भारत ही सही है, राफेल दौड़ गए। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में ना तालिबान राज आए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। अब कुछ देश हैं जो चाह रहे हैं कि हाँ अफगानिस्तान के साथ रिश्ते नॉर्मल से रहे। कुछ देशों की मजबूरी है तो कुछ देशों का लोभ और लालच भी है, जैसे कि चाइना लोभ और लालच में पड़ रहा है कि अफगानिस्तान के साथ हमारी कोई डील हो जाए तो हमारी पकड़ मजबूत हो जाए और इनके आतंकियों का भी इस्तेमाल करें हम और इनकी जमीन में पड़े हुए खजाने का भी इस्तेमाल करें। हालांकि चाइना को झटके लगने शुरू हो गए हैं। तो वहीं भारत की बात करें तो भारत की स्थिति यहाँ पर थोड़ी मजबूरी वाली है। मजबूरी वाली इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान अगर एक होके भारत को परेशान करने लगे तो भारत की परेशानी बढ़ जाएगी। सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान एक रास्ता भी है और दूसरा अफगानिस्तान के अंदर हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चलते हैं। तो कुछ देश हैं जो मजबूरी में साथ हैं और कुछ देश हैं जो लोभ और लालच के कारण साथ में हैं। अब हुआ ये है कि भारत से सबसे पहला फैसला लिवाया तालिबान ने, बहुत मिन्नतें की और कहा कि आप अपने दूतावास को खोल दो, हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, एकदम से कुछ नहीं होगा। रूस ने अपना दूतावास नहीं हटाया था, चीन ने अपना दूतावास नहीं खाली किया था, ईरान ने भी अपने दूतावास को खाली नहीं किया था। भारत ने सोचा कि चलो अब जब तक तालिबान है यहाँ पर तब तक हमें अपनी पॉलिसी को उसी हिसाब से चलाना होगा और इन्होंने कहा कि ठीक है हम अपना राजदूत भेज देते हैं और हम कुछ प्रोजेक्ट्स पर भी बातचीत शुरू कर देते हैं। भारत ने अपने दूतावास को खोल दिया। IDBP के 80 जवान काबुल स्थित अपने दूतावास में भी लगा दिए भारत ने और साथ ही साथ ये एक तो दूतावास की सुरक्षा कर रहे हैं। भारत ने ऐसा नहीं है कि पूरा छोड़ दिया है अफगानिस्तान के भरोसे, अपने जवान भी हैं वहाँ पे, वो भी 80 की संख्या में। और दूसरा अफगानिस्तान में जो ये खाद्यान्न और दवाएं जा रही है उसकी भी देखरेख भारत कर पा रहा है। बात यहाँ तक आगे बढ़ गई कि भारत अब कंधार में जो एक महावाणिज्यिक दूतावास है उसे भी खोलने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें इस दूतावास को भारत ने बंद कर दिया था अशरफ गनी सरकार के पतन के बाद, लेकिन तालिबान ने भारत को मनाया है कि आप यहां पर अपने दूतावास को खोले, महावाणिज्यिक दूतावास को भी। वैसे आपको बता दें चीन यहां पर चाह रहा है कि सीपेक को पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में घुसाया जा सके। चाइना एक ऐसा देश बन गया है जिसे काउंटर करने के लिए भारत को तालिबान और अफगानिस्तान के साथ भी चलना पड़ रहा है। पर ऐसे में अब तालिबान चाह रहा है कि अपना राजदूत भेजे भारत में और उस पे नाम है एक विवादित प्रवक्ता का, इसे मौत का सौदागर भी कहा जाता है। अब दिल्ली में दूत भेजना चाह रहा है तालिबान। अब अगर मान लो आप इस दूत को भेज देता है, सबसे पहले तो इस दूत का नाम है अब्दुल कहर बाल्खी, अगर ये बाल्खी पहुंच जाता है तो भारत के लिए एक बड़ी दुविधा शुरू हो जाएगी। अब भारत इस अनुरोध को माने या खारिज करे ये भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई है। एक तो इस शख्स को कहा जाता है कि पत्रकारों को मारने की धमकी देता है और दूसरा अगर भारत सरकार इसे आने देता है तो इसका मतलब हो गया भारत सरकार कहीं न कहीं अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को मान्यता दे रही है और यही दुविधा हो गई है भारत के सामने कि भारत इस प्रस्ताव को माने या न माने। खैर जहां एक तरफ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रेफरेंस कि तालिबान भारत में अपने प्रतिनिधि को भेजना चाह रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार नाटो ने भारत का लोहा माना है। जानेंगे कि क्या है मामला। आपको बता दें भारत ने जब राफेल विमानों को खरीदा तब राफेल को एक नई ऊंचाई मिली। भारत में जिस तरीके से मीडिया ने राफेल को आगे किया उसे देखकर दुनिया के कई देशों ने राफेल का ऑर्डर देना शुरू भी कर दिया। कहा जाता है राफेल की बिक्री करने के बाद फ्रांस को इतने ऑर्डर मिले जितना ऑर्डर पहले कभी नहीं मिला था। राफेल की खूबियां निकल कर सामने आने लगी। लिथुआनिया में पिछले सप्ताह 16 मिशन ऐसे हुए जिसमें राफेल विमानों का
इस्तेमाल किया गया। स्थिति ऐसी हो गई है कि हंगरी ने अपने 39 ग्रिपेन विमानों को हटाकर अब यहाँ पर राफेल विमानों को लाना शुरू कर दिया है और यहाँ पर करीब एक हफ्ते में 60-60 सॉर्टी ले रहे हैं पोलैंड में राफेल विमान। अब इन सब के बीच में ये देखने को मिला कि सुखोई विमानों ने जब यूरोपीय देशों को घेरना शुरू किया, जांचना शुरू किया, कई बार देश सॉर्टी भेज देते हैं कैसे किसी देश की सीमा के पास या किसी देश की सीमा से थोड़ा अंदर ये फाइटर जेट आ जाते हैं, तो उनको देखने के लिए भी, उनको रोकने के लिए भी राफेल विमानों का इस्तेमाल किया गया। अब राफेल विमानों का इस्तेमाल क्यों किया गया, आपको पहले ये बता दें कि भारत ने राफेल एम ही क्यों चुना, इसके पीछे एक बड़ी बात निकल कर आई है और वो बात ये निकल कर आई है कि F-18 सुपर हॉर्नेट भी ले सकता था भारत, लेकिन न्यूक्लियर हथियारों को चलाने के लिए, न्यूक्लियर मिसाइलों को रखने के लिए जिस तरीके की जगह और संरचना होनी चाहिए थी वो F-18 सुपर हॉर्नेट में नहीं था, जबकि राफेल के M वर्जन में था। ऊपर से भारत इसके F-4 वर्जन को ले रहा है, यानी कि और भी ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन को अपने हिसाब से करके ले रहा है। और दूसरा, इसके जो रडार हैं और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है ये बेहद हाई क्वालिटी का है और यही वजह है कि ये सारी चीजें अब हाल में देखने को मिल रही हैं। फ्रांस के राफेल विमानों को बार बार अब नाटो इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ तक कि रूस के खिलाफ भी जब भेजना होता है तो ये राफेल विमानों को भेज रहे हैं। बहुत तेजी से यूरोप में भी राफेल विमान अब छा रहे हैं। ग्लोबल तरीके से साफ दिख रहा है कि नाटो, यहाँ तक कि दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज देश अब राफेल विमानों को हाँ कर रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि भारत ने जो राफेल विमानों को खरीदा वो राफेल विमानों को खरीदना बेहद सही निर्णय था। इस एक महीने में 60 सॉर्टी नाटो के फाइटर जेट्स ले रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने राफेल खरीद कर सही किया या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।